अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बी ए बट अवैरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर आपको तीन ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला पॉइंट है, हमारे पास मेल और फीमेल कंफर्म होने चाहिए। बजिस पैरेट के अंदर जो मेल होता है उसकी नोज का कलर डार्क ब्लू होता है और जो फीमेल होती है उसकी नोज का कलर व्हाइट होता है। मेल और फीमेल बजिस पैरेट में आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास म्यूटेशन अलग है, यानी आप लोगों के पास अल्बाइनो बजिस है या आप लोगों के पास लाटिनो बजिस है, तो इनकी नोज का कलर जो होता है वो हमारे पास लाइट ब्लू कलर होता है मेल का, और जो फीमेल है उसका कलर व्हाइट होता है। इस तरह आप बजिस में मेल और फीमेल चेक कर सकते हैं। जब मेल और फीमेल कन्फर्म हो जाए तो आपने दोनों को एक केज में एडजस्ट करके रख देना है, यानी केज को एक जगह ही रखना है, केज को हिलाना नहीं है। अगर आप बार बार केज की जगह चेंज करेंगे तो बर्ड्स डिस्टर्ब होंगे और ब्रीडिंग लेट कर देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है माहौल। माहौल आपने बर्ड्स को वो प्रोवाइड करना है जिसमें वो इजीली एडजस्ट हो जाए और खुश रहें, यानी इनको गर्मी का इशू ना हो और ना सर्दी का इशू हो और ना तेज हवा का इशू हो और ना उनको धूप का इशू हो जिससे उनको मसला होता है, जिससे बर्ड ब्रीड नहीं कर पाते। तीसरा और आखिरी पॉइंट है हमारे पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो मेन चीज है वो है प्राइवेसी। आपने अपने बर्ड को प्राइवेसी लाजमी देनी है। प्राइवेसी आपने इस तरह देनी है कि केज के पास बच्चे वगैरह ना जाएं। अगर केज के पास बच्चे जाएंगे तो बर्ड्स डरेंगे और वो ब्रीड नहीं करेंगे।